तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। तुम मेरी बेटी को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। मैंने वो नहीं ली, मैं सच कह रही हूँ। तुम अब भी झूठ कह रही हो लड़की। मिसेस जावेदान, मिस्टर अमीर घर आ गए हैं। क्यों, क्या उसने कुछ कहा? मिस जावेदान, हर जगह ढूंढा पर रिंग नहीं मिली। ठीक है ठीक है, तुम्हें वो रिंग अब मिलेगी भी नहीं। कहीं वो रिंग आपने कहीं गिरा तो नहीं दी थी? मलिके, ये बात तुम कह रही हो? मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। नहीं, बस कह रही थी कि ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर कुछ देर यहाँ रही तो पता नहीं मैं और क्या क्या कह दूंगी। हिकमत के कमरे में भी नहीं है क्या? उसे जमीन निकल गई? कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैं एक बार फिर लॉबी में चेक करती हूँ। क्या हो गया अगर उसकी एक रिंग गायब हो गई? उसके पास इतनी सारी रिंग्स हैं, इतनी ज्वेलरी है, वो भी तो पहन सकती है। अगर मैंने वो कर्जा नहीं छुपाया तो मुझे परेशानी होगी, और वैसे भी उस पर मेरा कर्जा है और उसने बस वही चुकाया है। ये आवाज, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी वरना। मुझे लगता है तुम्हें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। क्या वो पागल हो गई है? ज़ैनब से इतना प्यार? कोई बात नहीं निगार दी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है उसे? मिसेस जावेदान इससे बहुत गुस्सा हो गई है क्योंकि उनकी रिंग नहीं मिल रही। सिर्फ एक 30,000 लिरास के रिंग के लिए इतना कर रही है, दूसरे रिंग्स नहीं है। क्या कहा, 30,000? तुम्हें उसके प्राइस कैसे पता? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? मुझे कैसे पता होगा, पिछले महीने मैं उसी रिंग को पॉलिश करवाने गई थी। तुमसे बातों में क्यों फंस गई मैं? मुझे जाना है, बहुत सारे काम है।